सबसे पहले मैं उड़ीसा के सारे फ्रेंड्स और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आप सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक उड़ीसा को इंसाफ ना मिल जाए ये साथ ऐसे ही बना रहे। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी फलकनाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तनिषा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, वो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25,000 की गिफ्ट दे रही है तनिषा उनको, ये सब चल रहा। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तनिषा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातचीत आ रही? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा सोच, उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी, मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब वो ये सीन में चली गई तो मैंने शिजान के रूम में गई, मैंने कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो तनिषा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये कितनी बात है, शुक्रवार की? हाँ ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तनिषा को,
निशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं तो बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना, कहती माँ मम्मा तुम्हें। वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी वो है उसने की है कि मम्मा मेरा दो दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो बेटा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कन्फर्मेशन दे, प्रशांत ई पी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को दो दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा। कहते ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंड ही थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमेशा दो दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, दो दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, सेट पे जाया हूँ। मैं फिर सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया यही का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनिशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं, बस ये बात हुई है। और मैं ऑटो लेके, आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या उसके साथ कुछ गलत है? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब जैसा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना है कर, बच्चे को बहुत सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, बोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनिशा के साथ रिलेशन क्यों डेवलप की, मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब ये मेरे को, क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता तो मेरे से बात कर। आंटी वो ब्रेन स्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल, और गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टनिशा को यूज़ किया, बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी उसको, अभी ड्राइवर को गूगल पे किया 50,000 रुपया जो टनिशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती, ईयरपोर्ट्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पर उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पर भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम, उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, अम्मा अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर दो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें निशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि सिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा पुरस्कार मिला काम करने के लिए, ये बातें कही थी उसने लिखी थी, उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या सर बोल सकती हूँ, उसके मन में क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम, और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला, पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई 15 मिनट तक सुनने तो कहीं आप लोगों को लग रहा है कि किसी नहीं तो कौन भी है, हम सारे भी हो सकते हैं। मैं तो एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहां पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी क्यों की गई? आंटी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहां रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी सेट से, किसी ने भी आपको इस बारे में इतला नहीं किया या फिर पुलिसा ने कुछ बताया? हमारी बात फलकनाथ से भी हुई, तो उसने कहा कि तनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनिशा ने, तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में,
मैं को मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़की की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती है, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो?